रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में होने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्योंकि कल 9 मई 2022 को मंडे को सुबह 5:30 AM को इंडिया में 10 स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर रेसलमेनिया बैकलैश लाइव शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मैचेस की एंड प्रेडिक्शन करेंगे रेसलमेनिया बैकलैश में होने वाले बड़े बड़े मैचेस की, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेसलमेनिया बैकलैश के किक ऑफ शो में हमें मेड केप मूस वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का सिंगल मैच देखने को मिलेगा। अब अगर आप स्मैकडाउन रेगुलर वॉच करते हो तो आपको इनकी स्टोरी का तो पता होगा, और यहां पर अगर विनर की प्रेडिक्शन करें तो WWE यहां पर मेड केप मूस को जिताने के लिए बुक कर सकती है रेसलमेनिया बैकलैश में, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मेड केप की परफॉर्मेंस से लग रहा है कि WWE उन्हें टॉप स्टार बनाएगी। और इसके अलावा मेड केप मूस ने साल 2022 की आंड्रे द जायंट की ट्रॉफी को भी जीता है, और स्मैकडाउन के लास्ट कुछ एपिसोड्स में मेड केप मूस एक के बाद एक मैच में जीत हासिल कर रहे हैं। और अगर रेसलमेनिया बैकलैश में मेड केप मूस हैप्पी कॉर्बिन को हरा देते हैं तो ये उनके करियर के लिए काफी बड़ी जीत साबित हो सकती है। तो मेरी पिक इस मैच में मेड केप मूस होंगे। इसी के साथ रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस द फिनोमिनल एज स्टाइल का रीमैच होगा, और इस मैच में डेमियन प्रिस्ट रिंग साइड से बैन होंगे, यानी एज स्टाइल के पास रास्ता साफ होगा और वो अपनी होनेस्टी से एड्स को हरा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स एंड रिपोर्ट्स एड्स की स्टेबल जजमेंट डे के न्यू मेंबर टोमासा चेंपा एड्स की हेल्प के लिए रेसलमेनिया बैकलैश में इंटरफेरेंस करेंगे, और यहां पर क्या पता एड्स एक बार फिर एज स्टाइल को हरा दे। लेकिन एज स्टाइल के बैकअप के लिए फिन बेलर भी मौजूद होंगे रेसलमेनिया बैकलैश में। और इस मैच की प्रेडिक्शन करें तो मुझे लगता है कि इस मैच का एंड डिस्क्वालिफिकेशन से हो सकता है, और रेसलमेनिया बैकलैश में एड्स की स्टेबल वर्सेज एज स्टाइल की स्टेबल के बीच बड़ा ब्राउल हमें देखने को मिल सकता है। वैसे स्टिल इस मैच के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि WWE ने हमारे लिए रेसलमेनिया बैकलैश में एड्स वर्सेज एज स्टाइल के मैच में क्या प्लान करा है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद ओमास वर्सेज ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली का मैच रेसलमेनिया बैकलैश में होगा। वैसे रेसलमेनिया 38 में बॉबी लेस्ली ने ओमास को हरा दिया और बन गए फर्स्ट सुपरस्टार टू बीट ओमास। लेकिन रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में शायद बॉबी लेस्ली के लिए ओमास को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश में ओमास को MVP मैनेज करेंगे। तो इस मैच में MVP इंटरफेरेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से बॉबी लेस्ली की इस मैच में हार होगी। वैसे मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में ओमास होंगे। नेक्स्ट मैच हमें रोंडा राउजी वर्सेज शार्लेट फ्लेयर के बीच देखने को मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन वेमेन्स चैंपियनशिप, और ये मैच एक आई क्विट मैच होगा। वैसे स्मैकडाउन में रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच अच्छा खासा बिल्डअप हमें देखने को मिला है, और इस मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर को आई क्विट करवा देगी और बन जाएगी न्यू स्मैकडाउन वेमेन्स चैंपियन। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रोंडा राउजी अगर आई क्विट करती है तो यहां पर हील सुपरस्टार की फेस सुपरस्टार के ऊपर क्लियर विन होगी, जैसा कि WWE होने नहीं देगी। लेकिन अगर शार्लेट फ्लेयर आई क्विट करती है तो उनके करेक्टर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक हील सुपरस्टार है। तो मेरी पिक इस मैच में रोंडा राउजी होगी, क्योंकि रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर को हरा देगी और बन जाएगी न्यू स्मैकडाउन वेमेन्स चैंपियन। इसके बाद अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रूट्स वर्सेस सेथ फ्रिकिन रोलिंस का रीमैच रेसलमेनिया बैकलैश में होगा, और इस मैच की प्रेडिक्शन करें तो मुझे लगता है कि सेथ रोलिंस एंड कोडी रूट्स की स्टोरी रेसलमेनिया बैकलैश में एंड नहीं होगी, क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश के बाद WWE का नेक्स्ट पेपरव्यू हेल इन ए सेल होगा, और वहां पर कोडी रूट्स के लिए कोई भी अपोनेंट नहीं होने वाला। तो हो सकता है रेसलमेनिया बैकलैश में सेथ रोलिंस मैच के दौरान या फिर मैच के बाद कोडी रूट्स पर अटैक कर दे, और फिर हेल इन ए सेल 2022 में सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रूड्स का इनसाइड द हेल इन ए सेल मैच हो और वहां पर इनकी फ्यूड का एंड हो। उसके बाद मनी इन द बैंक होगा और वहां पर लेडर मैच के लिए कोडी रूड्स अपनी फ्यूड तैयार कर सकते हैं। वैसे आप लोग कोडी रूड्स वर्सेस सेथ रोलिंस के रेसलमेनिया बैकलैश के मैच पर अपने थॉट्स जरूर बताना। और दोस्तों फाइनली रेसलमेनिया बैकलैश 2022 के मेन इवेंट में सिक्स मैन टेक टीम मैच होगा ब्लड लाइन वर्सेज आरकी ब्रो एंड ड्र्यू मैकइंटायर, और इसी मैच के आसपास रेसलमेनिया बैकलैश 2022 को बिल्डअप किया गया है। वैसे पहले WWE ने द उसोज वर्सेज रो टेक टीम चैंपियंस आरकी ब्रो के बीच टेक टीम टाइटल्स का यूनिफिकेशन मैच बुक करा था, फिर अचानक से
यूनिफिकेशन का आइडिया ड्रॉप कर दिया और अब रोमन रेंग्स एंड द उसोस वर्सेस ड्र्यू मैकइंटायर एंड आरकी ब्रो का सिक्स मैन टेक टीम मैच होगा। वैसे आई होप कि आप लोगों ने इस मैच का बिल्डअप मंडे नाइट रो एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा। तो अगर इस मैच में विनर की प्रेडिक्शन करें तो इस मैच में ड्र्यू मैकइंटायर एंड आरकी ब्रो की जीत होगी, क्योंकि ड्र्यू मैकइंटायर रसलमेनिया बैकलैश के बाद रोमन रेंग्स के साथ WWE अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फ्यूड करेंगे और इसके लिए ड्र्यू मैकइंटायर को ब्लड लाइन के अगेंस्ट एक सॉलिड विन चाहिए और रसलमेनिया बैकलैश में ड्र्यू मैकइंटायर द उसोस में से किसी एक को पिन करके अपने और आरके ब्रो के लिए जीत हासिल करेंगे और मैच के बाद ड्र्यू मैकइंटायर रोमन रेंग्स पर अटैक कर सकते हैं और फिर रसलमेनिया बैकलैश के बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंग्स वर्सेज ड्र्यू मैकइंटायर के बीच वन ऑन वन फ्यूड शुरू हो जाएगी फॉर द WWE अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो बस यही थे रसलमेनिया बैकलैश के मैचेस एंड उनकी प्रेडिक्शन। अब आपकी बारी है प्रेडिक्शन करने की, तो कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन मुझे जरूर बताना अबाउट रसलमेनिया बैकलैश और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर डेली रेसलिंग न्यूज इन हिंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।